नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यह फ्रिज का पीसीबी है, आज इसे ठीक करके देखते हैं। साथियों, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि कभी कभी यह ठीक चल जाता है और कभी कभी ठीक नहीं चलता है, बस अजीब अजीब कुछ हरकतें करता है। तो आज हम इसे चेक करेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसको ले लिया है और हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपनी मेन वायर इसमें लगाएंगे। तो ये मेन वायर इसमें कहाँ लगानी होती है, आप देख लें कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसकी जो दोनों पिने हैं वो यहाँ गई हुई है, यानी यहाँ से पहली और दूसरी पर। तो यही हमें यह अपनी मेन वायर लगानी होगी। तो इसको लगा देते हैं साथियों, इस तरह से इसमें लपेट देते हैं। गोल वाली पिन है और दूसरी वायर भी हम लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया साथियों, और इसमें सबसे पहले हम पावर दे देंगे और प्लग को हम बोर्ड में लगा देंगे। तो आपने देखा साथियों, ये हमने लगा दिया है और सबसे पहले हम इसके वोल्टेज तो बाद में चेक करेंगे। एक हमने यह बनाया है, इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस लगाई है, इसमें सेंसर नहीं है इसलिए। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं सेंसरों की जगह पर, जहाँ पर सेंसर लगते हैं। तो ये हमने लगा दिया है साथियों, और अब इसको उल्टा कर लेते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या हुआ है। तो मीटर को हम डीसी वोल्टेज पर कर लेते हैं साथियों, और हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि 78.12 लगा हुआ है यहाँ। तो साथियों, एक प्रॉब हम अपनी ग्राउंड पर रख लेते हैं यहाँ, और फिर यहाँ इसको चेक करते हैं हम। तो वोल्टेज देखते हैं तो 21 वोल्ट साथियों हमारे पास यहाँ मिल रहे हैं, 21.2, और आउटपुट में अगर हम देखें तो 12.1। तो ये 78.12 है साथियों। तो उसके बाद यहाँ एक 78.5 भी है। तो हम अपनी ब्लैक प्रॉप को फिर से ग्राउंड पर रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ इसमें हम चेक करेंगे साथियों, 5 वोल्ट इसकी आउटपुट है और इस तरफ इसमें 12 वोल्ट होगी। तो ये 12 पॉइंट यहाँ से, मतलब 12 वोल्ट यहाँ आई और यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ आ गई। तो ये 78.5 है साथियों, ये भी ओके है। तो ये वोल्टेज तो हमें ठीक मिल रहे हैं साथियों। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं साथियों, अगर हम यहाँ से आते हैं यहाँ, तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रही है वो एक तो हमारे इस आईसी को मिलेगी, माइक्रो कंट्रोलर को, और उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। तो इसके इस तरफ आप देख सकते हैं 5 वोल्ट हमें मिल रही है, और यहाँ अगर हम चेक करें साथियों, तो यहाँ स्विच के दूसरी तरफ हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसमें साथियों ज़्यादातर ये ऐसा होता है, और भी खराबियाँ इसमें हो सकती है, लेकिन अभी हमने देखा इसमें यही खराबी नज़र आ रही है। इसमें इस तरफ स्विच के इस तरफ 5 वोल्ट है और इस तरफ यहाँ पर 0 वोल्ट है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं साथियों, जैसे अगर हम यहाँ लगाएं तो ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो आउटपुट में स्विच के कुछ नहीं है, यानी कि स्विच साथियों ख़राब हो गया है। तो ये सबसे पहले तो हम स्विच को डायरेक्ट कर देते हैं, फिर इसको चेक करते हैं इसमें क्या होता है। और ये वायर हमने ले लिए साथियों, इसमें हम सबसे पहले हमेशा की तरह अपना पेस्ट लगा लेंगे और इसको बंद कर देंगे। अब साथियों हम इसको जम्पर कर देते हैं। तो यहाँ साथियों हम इसे जम्पर कर देते हैं स्विच को। हाँ, तो साथियों आप देख सकते हैं कि यह जम्पर तो हमने लगा दिया है। अब यहाँ हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे साथियों स्विच के इस तरफ, तो जम्पर है जाहिर सी बात है सेम ही वोल्टेज होंगे। तो दोनों तरफ 4.6 वोल्टेज है। अब हम साथियों इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो आपने देखा सुना आपने कि थोड़ी सी जैसे हमने पावर कोड लगाई तो इसमें टिक की आवाज़ आई। तो ये आप देख लें, आपको दिखा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ साथियों ये जो बड़ी रिले लगाई होती है, यह कंप्रेसर ऑन करने के लिए लगाई होती है, और जब कंप्रेसर बंद हो जाता है, जब इसको फ्रॉस्ट डीफ्रॉस्ट करना होता है, तो यह छोटी वाली रिले जो लगी हुई है यह हीटर को चलाने के लिए ऑन होती है। तो यहाँ हम साथियों चेक करते हैं कि हमारी बड़ी वाली रिले पर आउटपुट वोल्टेज आ जाने चाहिए। तो हम मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पर कर देते हैं, क्योंकि अब हम एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ साथियों हम अपनी एक प्रॉब यहाँ रखेंगे कॉमन पर, ये ऊपर वाली कॉमन है, और यहाँ हमें मेन वोल्टेज मिल रहे हैं एसी 228 वोल्ट साथियों।
और आप देख सकते हैं कि यहीं से ये रिले में कनेक्शन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मोटी वाली रिले का डिजाइन यहाँ बना हुआ है, तो यह वाली रिले साथियों ऑन होनी चाहिए कंप्रेसर चलाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, तो यह रिले हमारी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि ऑन है। तो इसमें अब कंप्रेसर साथियों चलने लगा है, पहले इसमें कंप्रेसर वाली रिले ऑन नहीं हो रही। तो साथियों आपने देखा कि इसको ठीक करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत छोटा सा इसमें फॉल्ट था। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।